ये फिर ना सीखते हैं पावर सॉकेट का। ये ड्राइंग है तो इसके बारे में आज आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं हमारा, सबसे पहले ड्राइंग को जब आप पकड़ेंगे तो आपको लोकेशन खोजना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या है। तो एक चीज अगर आप पकड़ लेंगे, स्टेयरकेस से भी पकड़ सकते हैं, तो इसमें स्टेयरकेस तो नहीं है, ये पूरा ड्राइंग नहीं है। तो इसमें कुछ चीज आपको बताएंगे, जैसे हमारा ये इलेक्ट्रिकल रूम है, ये देख सकते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है। तो इलेक्ट्रिकल रूम से भी आप पकड़ सकते हैं कि हमारा ये इलेक्ट्रिकल रूम है, इसके हिसाब से पूरा आप हर जगह पे पहुंच सकते हैं। बाकी इसमें रूम नंबर भी लिखा होता है, तो रूम नंबर भी आपको जैसे आप दिखाएंगे तो ये देख सकते हैं, ये जो HF लिखा हुआ है, H.F00008.035, ये हमारा रूम है स्टाफ। ओके, तो इस तरह से हर जगह पे आपको रूम नंबर लिखा दिखेगा। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल रूम देख लें, ये हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है। इलेक्ट्रिकल रूम में कौन सा DB है, कौन SMDB है, कौन इमरजेंसी के लिए DB है, सब अलग अलग होता है। तो हमारा ये जो रेड वाला दिख रहा, ये देख सकते हैं 1, 2, 3, ये हमारा इमरजेंसी के लिए है, ये रेड वाला। और ये जो हमारा ब्लू वाला दिख रहा, ये जो ब्लू है, ये हमारा डीबी है। डीबी का कुछ सिंबल इस तरह होता है, ये भी डीबी है और ये भी डीबी है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये नॉर्मल पावर है, नॉर्मल का मतलब ये हमारा नॉर्मल जो लाइट होता है घर में उसके हिसाब से ये चलता है, और ये जो हमारा होता है ये हमारा इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी के लिए होता है। तो ये भी डीबी है, ये भी डीबी है, और ये जो हमारा, ये देख सकते हैं डीबी का कुछ इस तरह सिंबल होता है, और जो हमारा SMDB होता है उसका ये देख सकते हैं ये सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ये देख सकते हैं ये भी हमारा SMDB है, SMDB का सिंबल इस तरीके का होता है। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और हमारा ये देख सकते हैं ये जो लाइन चल रहा हमारा रेड है और ग्रीन कलर का है, तो जो ग्रीन कलर का है ये हमारा पावर का है, और ये हमारा इमरजेंसी का है रेड वाला। तो ये एक तरह से ये ट्रंकिंग है, ये यहाँ से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा पूरा ट्रंकिंग इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिकल रूम में ये ड्रॉप हो रहा है, हमारा डीबी में ड्रॉप होता है ट्रंकिंग, ये देख सकते हैं आपको। और ये जो हमारा डीबी का पूरा नंबर लिखा है DBNP.3F0012। ओके, इस तरीके से इसमें सब में नंबर दिया होता है। इसके बाद अगर आपको कोई सर्किट खोजना है तो सबसे पहले आपको रूम देखना पड़ेगा कौन सा रूम है, जैसे आपको ये रूम बताया। और इसमें एक चीज और आपको बता दें, इसमें कोलिडोर पहचानना होता है। तो कोलिडोर आप कैसे पहचानेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा जो ड्राइंग है, ये देख सकते हैं ये यहां से और यहां तक ये हमारा कोलिडोर है, ये देख सकते हैं ये कोलिडोर में ही केवल ट्रे ट्रंकिंग सब जाता है। तो ये देख सकते हैं यहां से यहां ये हमारा कोलिडोर है, तो कोलिडोर है, कोलिडोर से हमारा देख सकते हैं इस तरीके से सारा डीबी नंबर, ये सारा डीबी सर्किट नंबर इसमें लिखा होता है कौन सा डीबी से कौन सा आ रहा है। तो चलिए आपको एक रूम का पहले करके दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं ये ड्राइंग में हमारा सिंबल नहीं है, ये आपको दिखा देते हैं, ये हमारा इसमें सिंबल नहीं है ये ड्राइंग में, ये देख सकते हैं ये बिना सिंबल का है। फिर भी आपको सिंबल के बारे में थोड़ा बता देंगे, बाकी सिंबल मिलेगा तो उस पर भी एक वीडियो बना के आपको अच्छा से समझा देंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सॉकेट का सिंबल कैसा होता है, जैसे हमारा ये देख सकते हैं ये डबल सॉकेट होता है, और ये वाला जो हमारा ये सिंगल। तो इसमें देख सकते हैं आप सिंबल, ये जो हमारा है ये डबल सॉकेट है, ये देखिए इसमें दो लकीर देख सकते हैं इस तरीके से निकला हुआ है, इसमें भी देखिए राउंड करके दो लकीर निकला हुआ है, और ये हमारा सिंगल सॉकेट है। ओके, तो आप देख सकते हैं ये दो डबल है एक सिंगल है, तो डबल आपको दिखा दिए कुछ इस तरीके का होता है, सिंगल भी आपको दिखा दिए। इसके बाद इसमें लूप होता है, तो इसमें हमको पता करना पड़ता है कि कौन सा सर्किट इसमें हमारा आ रहा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा, ये हमारा ट्रंकिंग से ये केबल आ रहा है यहाँ से, और इसका जो है ये DB लिख के उसके बाद NP होता है नॉर्मल पावर, और उसके बाद 3 इलेक्ट्रिकल रूम होता है एक जोन में, जैसे एक इलेक्ट्रिकल रूम 2, 3 इस तरीके से होता है। तो ये हमारा 3 नंबर इलेक्ट्रिकल रूम में है, F00 इसके बाद .05R1, ये जो 5 होता है ये हमारा DB का नंबर होता है, और ये हमारा R1 ये सर्किट नंबर होता है, ये जो केबल का है R का रेड कलर का सर्किट है। तो इसके लिए यहाँ से ये कुछ इस तरीके से आता है, इधर से आने के बाद इसमें लूप होके फिर दूसरे में फिर तीसरे में इस तरीके से लूप होके यहाँ से इस तरीके से आता है, और यहाँ आने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आया, और आने के बाद हमारा
ये हाईलाइट किया है, तो इसमें भी देख सकते हैं दो डबल सॉकेट और एक सिंगल सॉकेट है। तो ये जो सिंगल निशान है ये सिंगल सॉकेट होता है, ये डबल जो है डबल होता है। और इसमें आउट लाइट भी होता है, जैसे आप देख सकते हैं ये एसी है, मतलब एफसीयू है, यहाँ लिखा हुआ एफसीयू, ओके। तो इसमें जो 20 एम्पियर का हमारा आउटलेट लगा हुआ है, तो ये बटन वाला आउटलेट है। आउटलेट भी दो तीन तरीके का होता है, तो इसमें बटन एक स्विच लगा होता है और एक इंडिकेटर होता है। तो 20 एम्पियर का हमारा आउटलेट है, तो इसका भी देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, ये Y10 मतलब 3 नंबर DV Y10, इस सर्किट जो है येलो कलर का है। तो इस तरीके से राउंड, अगर यहाँ पे राउंड करके इधर से इस तरीके से खींच के नंबर दिया है, तो सब समझ सकते हैं कि यही हमारा सर्किट नंबर है, ओके। डीबी नंबर, सर्किट नंबर, सब कुछ ये यही होता है, इसी के हिसाब से फेरुल डाला जाता है डीबी में, ओके, समझ गए। फिर भी अगर मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम का आईडी, उस पर भी आके आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना हो। और रहा बात इसका पीडीएफ, इसका पीडीएफ तो नहीं है, अगर इस ड्राइंग का पूरा फोटो भी अगर लूंगा तो ये पूरा आएगा नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैन्नल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, न्यू वीडियो आने वाला सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत कुछ होता है, इतना बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, आगे वीडियो में पूरा कवर करूंगा। तो देख सकते हैं सब में इसी तरीके से होता है। एक सर्किट खोजने के लिए आपको पूरा मतलब ये चीज मालूम होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज ये क्यों है, ये देख सकते हैं ये क्यों, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ ये दो वायर जा रहा था, इसके ऊपर टच नहीं तो पता नहीं चलेगा। इसके लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंबल बनाया जाता है और उसके बाद यहाँ बनाया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि ये सीधा वायर इधर जाएगा और ये जो राउंड हमारा होता है, ये देख सकते हैं राउंड, ये राउंड हमारा इसलिए किया जाता है, राउंड करके यहाँ पे सर्किट नंबर और डीबी नंबर यहाँ पे दिया जाता है। बाकी रूम का नंबर आपको बता दिया, रूम का नंबर भी इसमें होता है, ये पावर सॉकेट का, इसको बोलते हैं पावर का ड्राइंग, ये पावर ड्राइंग है, मतलब सॉकेट आउटलेट इस तरीके का, इसमें पावर आया है इसकी।